रिचार्ज नहीं किए जाने से आग बबूला युवक ने साथी की मदद से मोबाइल शॉपिंग में तोड़फोड़ की। यह वारदात सक्करदरा के मां शारदा लेआउट में हुई। पुलिस ने बाऊ, उसके भाई बिट्टू तथा अजीम नामक साथी के खिलाफ असंगीय मामला दर्ज किया है। सलीम गोस की मां शारदा लेआउट में मोबाइल शॉपी है। सलीम आरोपी बालू को पहचानते हैं। 25 नवंबर की दोपहर बालू सलीम की दुकान में आया। उसने सलीम को मोबाइल में रिचार्ज करने को कहा। सलीम ने बालू को बताया कि उसके पिता ने उनसे पूछे बगैर बेटे के मोबाइल में रिचार्ज करने से मना किया है। इससे बालू आग बबूला हो गया है। वो अपने भाई बिट्टू तथा अजीम नामक मित्र के साथ सलीम की मोबाइल शॉपिंग में आया। उन्होंने फावड़े से शोकेस को फोड़ डाला, पेट्रोल फेंक कर आग लगाने का प्रयास करने लगे। माचिस बुझ जाने से वह सफल नहीं हुए। सलीम ने घटना की शिकायत सक्करदरा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़ का असंगीय मामला दर्ज किया है। मोबाइल दुकान धारक आहे, त्यांच्या दुकानात रिचार्ज करण्यासाठी तीन मुलं गेले होते, तर याच्यामध्ये दुकान मालकाला जो आहे संशयित, त्याच्या वडिलांनी सांगितलं होतं की मला विचारल्याशिवाय याला रिचार्ज करून देऊ नको, आणि त्या दुकानदाराने ते कारण सांगितल्यामुळे जो संशयित मुलगा आहे त्याने त्याच्याजवळच्या फावड्याने काचेवर मारून तोडफोड केली आहे दुकानाच्या। त्याबाबत चौकशी चालू आहे अजून। त्याच्यात बल्लू नावाचा मुलगा आहे, बिट्टू नावाचा मुलगा आहे आणि त्याचा मित्र असे आलेले प्राथमिक तपासात। अजून अधिक माहिती घेऊन त्याची कारवाई करत आहोत। सर, असं का जी रिचार्ज केले आहे ते, तो दरअसल इनके पप्पा ने हमको मना किया था कि रिचार्ज इनका मारने से पहले हमको कॉल करना। तो जब रिचार्ज मारने के लिए आए तो जो उनका छोटा भाई है वो रिचार्ज मारने के लिए आया, उसने रिचार्ज मारा और पैसे भी दिए। पैसे देने के बाद उसका जो बड़ा भाई है बल्लू, वो आया और उसने कहा कि हमारे जो पैसे वो वापस दे दो। हमने कहा अपने पप्पा से आप बात करा दीजिए, फिर हम आपको पैसे रिटर्न दे देते। तो उसने कुछ बात बात की नहीं, और क्योंकि उनके पापा ने हमको ऑलरेडी इसके पहले बता चुके थे कि 15-20 दिन पहले कि अगर मेरे लड़के आएंगे तो मुझसे पूछे बगैर आप रिचार्ज मत करना। तो मैंने उसको सिर्फ उसको इतना बोला कि भैया अगर रिचार्ज के पैसे रिटर्न चाहिए तो आपके पापा से हमारी बात करा दीजिए। तो वो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने दो बार अपने कांच को फोड़ने की कोशिश की बट वो कांच फूटा नहीं। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला उसको। फिर वो गया और वापस से वो अपने छोटे वाले भाई को और एक और लड़का था अजीम नाम का शायद, उसको लेकर के आया और बल्लू ने फावड़े से काउंटर को तोड़ा और एक साथ वाले लड़के ने पेट्रोल छिड़का और इसको जलाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।